नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 इंडिया न्यूज में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। मऊ जनपद में कायस्थ समाज के कुल देवता भगवान चित्रगुप्त की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सर्वप्रथम शहादतपुरा के चित्रगुप्त मंदिर पर इकट्ठा होकर कायस्थ समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की विधिवत पूजा अर्चना की। कायस्थ समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति पर भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद आरती कर पूजा की। वहीं अखिल भारतीय कायस्थ सभा के प्रदेश सचिव और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि आज भगवान चित्रगुप्त की जयंती के उपलक्ष्य पर पहले भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा अर्चना करने के बाद शोभा यात्रा निकाला गया, जो शहादतपुरा चित्रगुप्त मंदिर से निकलकर आजमगढ़ तिराहा टंडन पैलेस रोडवेज हिंदी भवन होते हुए बाल निकेतन मोड़ तक निकाला गया। इस उपलक्ष्य पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जनपद मऊ से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की मऊ इकाई ने भगवान चित्रगुप्त महाराज की जयंती का आयोजन अपने इस मऊ जिले के एकमात्र चित्रगुप्त मंदिर शहादतपुरा में आयोजित किया। चित्रगुप्त मंदिर में बड़े ही भव्य तरीके से पूजन अर्चन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे जिले के प्रतिष्ठित हमारे सभी कायस्थ बंधु उपस्थित रहे। तत्पश्चात वहां से भव्य शोभा यात्रा विभिन्न झांकियों के द्वारा भगवान चित्रगुप्त के 12 पुत्र, उनकी खुद की और हमारे इस देश के महान पुरुष 5 महापुरुषों की झांकी के साथ ये शोभा यात्रा आकर यहाँ बाल निकेतन हैप्पी चिल्ड्रेन स्कूल में समाप्त हुई है। आज जो है अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मऊ के सौजन्य से ये जो है संपन्न हुआ है, और भगवान श्री चित्रगुप्त जो है हमारे कायस्थ कुल के जो हमारे कुल देवता हैं उनका ही आज त्यौहार होता है, उनका आज जन्मदिन होता है, जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है रखा गया था। और चित्रगुप्त मंदिर में भव्य तरीके से पूजन अर्चन किया गया, हवन किया गया, और उसके उपरांत जनपद के विभिन्न कोने से लगभग 250 से 300 की संख्या में हमारे कायस्थ समाज के लोग जो है प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, तन मन धन से सम्मिलित हुए, और साथ ही एक बहुत भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वहाँ से आकर के यहाँ ये कार्यक्रम जो है अभी समापन के तरफ है, और समापन के पहले भंडारा का आयोजन है, सभी लोग जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप सबसे भी निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण करें चित्रगुप्त मंदिर का, चित्रगुप्त भगवान का। और ये आयोजन इसलिए किया गया कि हमारा कायस्थ समाज इस देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। कहीं ना कहीं कायस्थ समाज आज के 70 साल पहले बहुत बड़े बड़े पदों पे और हर विभाग में आज भी आप देखेंगे तो कायस्थ समाज के लोग व्याप्त हैं। कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी थोड़ी जरूर कम हुई और एक ह्रास हर जगह हुआ, जिसकी वजह से हम लोग जो है हमारी ये सोच है, हमारी कायस्थ महासभा की ये धारणा है कि हम सब फिर से यूनाइट होकर के और अपने कायस्थ समाज को और आगे ले जाएं, और कैसे हम इस दुनिया को और देश को और अपने भारतवर्ष को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए कायस्थ समाज और ज्यादा से ज्यादा क्या योगदान दे सकता है, इसके लिए हम एकत्रित होकर के और आगे निरंतर समाज की सेवा में हमारी कायस्थ महासभा जो है लगी रहेगी। और आप सभी को पुनः बहुत बहुत आज के इस अवसर पे चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त पूजा के अवसर पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।